कर अनुमंडल अस्पताल में क्या क्या तैयारी है? कोविड-19 के लेकर के अनुमंडल अस्पताल में पहले हम लोग जाँच कराते हैं, जिसमें एंटीजन RT-PCR एंटीजन टेस्ट होता है। उसमें जब कोई पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाले को हम लोग एक मेडिकल किट एनवेलप में लेकर के देते हैं। उसमें सारा बातें लिखी हुई रहती है कि कोई दवाई कैसे खाना है। उसके बाद भी हम लोग बता देते हैं कि यह दवाई खाइए। फिर हम लोग पूछते हैं कि क्या आप होम में घर में रहना चाहते हैं कि मेरे आइसोलेशन सेंटर में रहना चाहते हैं। वो अगर जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ, हम कहते हैं ठीक है आप आराम से रहो, हमारे यहाँ पर आदमी है आपको कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, प्रत्येक दिन आपका हालचाल पूछते रहेंगे, लेकिन आप इधर उधर बाहर ना घूमें। दूसरा मैं है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं, हम लोग का यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन शेड्यूल भी। तीसरा हम लोग आइसोलेशन सेंटर है, हमारे कैंपस में 48 आइसोलेशन सेंटर है जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है। ऑक्सीजन 22 बेड पर अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था है और साथ में साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है जिसके द्वारा भी हम लोग एक पर दो आदमी दे सकते हैं। दूसरा 58 बेड है, वो 50 बेड जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर हट करके बेली स्कूल है उसके हॉस्टल को मैंने साफ उफ करवा करके वहाँ पर 50 बेड डाल दिया है, बिछावन डाल दिया है। जब ज़रूरत अगर होगी तो फिर वहाँ भी पेशेंट रखा जाए। यही आपका कोविड के लिए यहाँ पर यही कुल मिला के कितने बेड की व्यवस्था बार में? अभी 98 बेड हॉस्पिटल अनुमंडल अस्पताल बार में 98 बेड्स है, जो 48 आपको कैंपस में है और 50 बेली स्कूल के हॉस्टल में। हाँ सर, तो कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते तो उनको क्या हिसाब बरतना चाहिए? लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं जब पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए उनको हम लोग कहेंगे यही कोविड-19 इतना ज़्यादा पूरा खुला हो चुका है तो लोग घबरा जाते हैं, देखते हैं कि मर रहे हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप एकदम शांत रहिए, अपने मनोबल को बुस्ट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से गर्गला कीजिए घर, लेकिन अपने जो आदमी आपके निगेटिव हैं उनसे आप ना मिलो, अपने आप को आइसोलेट करके रखो और मेडिटेशन करो, योगा करो, ये सब करो, अच्छे से खाओ पियो, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपना सिनेमा देखो, सब चीज़ देखो, मन लगाओ, किताब पढ़ो, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ो जिससे आपका मन लगता रहे, यही है।